हेलो फ्रेंड, आज हम कैस्टिगलियनो थ्योरम को स्टडी करेंगे। ये स्ट्रेन एनर्जी यूनिट का एक पार्ट है कैस्टिगलियनो थ्योरम। सबसे पहले कैस्टिगलियनो थ्योरम ड्राइव करने से पहले हमें एक चीज़ दिमाग में रखनी है, वो चीज़ है डेल यू अपॉन में डेल पी इक्वल टू एक्स। इस फार्मूले से हम इसकी डेफिनेशन बताएंगे, कैस्टिगलियनो क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू कैस्टिगलियनो थ्योरम अकॉर्डिंग टू कैस्टिगलियनो थ्योरम रेट ऑफ चेंज किसका चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ यू, यू क्या है स्ट्रेन एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिकली इंडिपेंडेंट फोर्स। एक बार मैं रिपीट करता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिकली इंडिपेंडेंट फोर्स गिव द डिफ्लेक्शन, एक्स क्या है यहाँ पे डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैं एक बार लिख देता हूँ, कैस्टिगलियनो थ्योरम अकॉर्डिंग टू कैस्टिगलियनो थ्योरम rate of change of strain energy with respect to statically independent फोर्स। अभी मैंने इतना लिखा है डेल यू अपॉन में डेल पी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिकली इंडिपेंडेंट फोर्स गिव्स क्या दे रहा है एक्स, एक्स क्या है स्टैटिकली इंडिपेंडेंट फोर्स गिव्स डिफ्लेक्शन इन दी डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ये इसकी स्टेटमेंट है कैस्टिगलियनो थ्योरम की, ये स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू कैस्टिगलियनो थ्योरम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिकली इंडिपेंडेंट फोर्स गिव्स डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। इसको प्रूफ ड्राइव करने के लिए लेट वी कंसीडर ए बीम, हमने एक बीम कंसीडर करी, ये हमारे पास बीम है जिस पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कितना फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पे P1, इस पॉइंट पे P2, इस पॉइंट पे P3 एंड सो ऑन P4 P5 P, हम तीन ही कंसीडर कर रहे हैं। इन लोड के कारण ये बीम क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, ये बीम ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी ड्यू टू दिस अप्लाइड फोर्स। इस पॉइंट पे ये जो फर्स्ट पॉइंट पे डिफ्लेक्शन है दैट इज इक्वल टू x1, डिफ्लेक्शन एट फर्स्ट पॉइंट x1, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन। सेकंड पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज इक्वल टू x2, थर्ड पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन हो रही है दैट इज इक्वल टू x3। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं इसको ये जो लोड मैंने अप्लाई किए ये मैंने ग्रेजुअली अप्लाइड किए, सपोज करो मैं एक डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ, ये मेरे पास स्ट्रेस लोड और डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे लोड और ये डिफ्लेक्शन कर्व है। अगर मेरा लोड जीरो है तो डिफ्लेक्शन जीरो, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो एक कर्व ऐसे आएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, P1 फोर्स लग रहा है, तो डिफ्लेक्शन कितनी हो रही है इस पॉइंट पे, x1। इन सिमिलर मैनर में सेकंड पॉइंट पे फोर्स कितना लग रहा है, सेकंड पॉइंट पे फोर्स लग रहा है हमारा P2, डिफ्लेक्शन कितनी आ रही है इसकी, x2। सिमिलर मैनर में थर्ड पॉइंट पे लोड कितना लग रहा है, ये लोड है हमारा P3, ड्यू टू P3 कितनी डिफ्लेक्शन आई यहाँ पे, x3। ये क्लियर है, P1 लोड के कारण डिफ्लेक्शन है x1, P2 के कारण डिफ्लेक्शन है x2, P3 के कारण डिफ्लेक्शन है x3। अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला लिखूं, स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या था, इक्वल टू एरिया, इसका एरिया कितना होगा, हाफ
ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट. परपेंडिकुलर क्या चीज़ है, लोड, दैट इज इक्वल टू पी वन, और बेस क्या है इसका, एक्स वन. इन सिमिलर मैनर में ये क्या हो जाएगा, हाफ पी टू एक्स टू, ये हाफ पी थ्री एक्स थ्री. तो मैं स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कितना लिख दूंगा, हाफ पी वन एक्स वन प्लस में हाफ पी टू एक्स टू प्लस में हाफ पी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन. अगर आगे भी लोड लग रहे हैं तो वो आ जाएगा पी फोर एक्स फोर. मैं तीन ही लोड को कंसिडर करके चल रहा हूँ. तो ये हमारी बनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. इसको मैं ज़ूम कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है. अब क्या है, इस सिस्टम पे मैंने किसी भी एक पॉइंट पे पी वन पी टू पी थ्री किसी भी एक पॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड और अप्लाई कर रहा हूँ मैं. सपोज करो मैंने वन पॉइंट पे एक्स्ट्रा लोड अप्लाई किया, इस पॉइंट पे एक एक्स्ट्रा लोड अप्लाई कर रहा हूँ, कितना, डेल पी वन. फर्स्ट पॉइंट पे तो एक्स्ट्रा लोड है थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में, तो डेल पी, और फर्स्ट पॉइंट पे तो डेल पी वन, अगर टू पे होता तो डेल पी टू. इसके कारण थ्रू आउट द बीम कुछ डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ये डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो रही है. तो ये जो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुई फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स वन, ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा एक्स टू, ये जो डिफ्लेक्शन है डेल्टा एक्स थ्री, और सो ऑन, एक्स फोर, डेल्टा एक्स फाइव, एक्स सिक्स, जो भी है. अब देखिए, अगर मैं देखूं तो इस पॉइंट पे फर्स्ट ग्राफ से देखिए, मेरे पी वन की लोड की वैल्यू बढ़ी कुछ. सपोज करो लोड मेरा यहाँ तक गया, कितना गया ये लोड, ये लोड है यहाँ पे डेल्टा P1, ये लोड कितना बड़ा मेरा, डेल्टा P1 अमाउंट का लोड बड़ा. और डिफ्लेक्शन कितनी हुई इसके कारण, ये पेन, ये डिफ्लेक्शन कितनी हुई यहाँ पे, ये डिफ्लेक्शन हुई कितनी, डेल्टा X1. तो ये क्या हुआ, एक्स्ट्रा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी. हमने लोड किस पे बटाया, डेल्टा P1 फर्स्ट पॉइंट पे, P1 डेल्टा P1 लोड कहाँ पर अप्लाई किया, फर्स्ट पॉइंट पे. तो यानी फर्स्ट पॉइंट पे ही लोड की वैल्यू बढ़ी, बट पी टू पे लोड नहीं बढ़ रहा पर डिफ्लेक्शन बढ़ रही है. तो लोड एज इट इज रहेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी और ये डिफ्लेक्शन आपकी इंक्रीज होगी. ये डिफ्लेक्शन कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा एक्स टू. लोड सेम रहेगा, क्लियर. देखिए एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ. इस पॉइंट पे लोड बढ़ा, लोड बढ़ा तो ये लोड बढ़ गया हमारा कितना, डेल्टा पी वन. इस एक्स्ट्रा लोड के कारण डिफ्लेक्शन कितनी इंक्रीज हुई, डेल्टा एक्स वन, वो मैंने इसमें शो कर दिया. बट पॉइंट टू पे, पॉइंट टू पे लोड पी टू ही है, लोड कितना है पी टू ही है, पर डिफ्लेक्शन बढ़ रही है तो डिफ्लेक्शन कितनी हुई, डेल एक्स थ्री. इन सिमिलर मैनर पे थर्ड पॉइंट पे लोड पी थ्री रहेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगी, डेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स थ्री. तो इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी, इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी कितना हो जाएगा, डेल यू शुड बी इक्वल टू, ये जो एरिया है, ये एरिया स्ट्रेन एनर्जी का एरिया, ये इंक्रीज एरिया. तो फर्स्ट का एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, वैसे ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टल, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस में इस ट्राइंगल का एरिया. तो रेक्टेंगल का एरिया तो कितना हो जाएगा, पी वन इंटू में डेल एक्स वन, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है पी वन और विड्थ कितनी है डेल एक्स वन. ट्राइंगल है ये, इसकी हाइट कितनी है डेल पी वन, तो ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ डेल पी वन इंटू में बेस कितना है इसका, डेल एक्स वन. ये फर्स्ट का एरिया लिख दिया मैंने. इन सिमिलर मैनर में सेकेंड पॉइंट पे एरिया कितना हो जाएगा, हाफ पी टू डेल एक्स टू, थर्ड डेल एक्स टू. थर्ड पॉइंट पे कितना होगा, हाफ पी थ्री डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे. अब देखिए ये स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल से मल्टीप्लाई करा और डिवाइड भी है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट. इस क्वांटिटी को हमने क्या कर दिया, नेगलेक्ट. तो हमारे पास डी यू की फार्मूला क्या हो जाएगा, डेल यू इंक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी इक्वल टू पी वन डेल एक्स वन हाफ, सॉरी पी वन डेल एक्स वन प्लस में, सॉरी हाफ नहीं आएगा, ये रेक्टेंगल है, हाफ किसी में नहीं आएगा, हाफ नहीं आएगा क्योंकि ये रेक्टेंगल है. पी टू डेल एक्स टू, पी टू डेल एक्स टू, पी थ्री डेल एक्स थ्री, ये नहीं आएंगे. तो पी वन डेल एक्स वन प्लस में पी टू
डेल एक्स टू प्लस में पी थ्री डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन का मैं यूज़ करूँगा अभी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस डेरिवेशन को ड्राइव करने के लिए। स्टार्टिंग में हमने क्या कंसिडर किया था कि पहले सेट लगाया था पी वन पी टू पी थ्री फिर डेल्टा पी वन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, पी वन और डेल्टा पी वन साइमल्टेनियसली एक साथ लग रहा है, तो यानी कहने का मतलब भी ये जो बीम है इस पर लोड कितना अप्लाई किया मैंने, पी वन प्लस में डेल्टा पी वन एकदम से अप्लाई कर दिया। और इस पर ये सॉरी इस फिगर में देखिए, इस पॉइंट पे पी वन प्लस में डेल्टा पी वन, सेकेंड पॉइंट पे पी टू, थर्ड पॉइंट पे पी थ्री। इसके कारण जो डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन उतनी होगी यहाँ पे कितनी होगी, एक्स वन प्लस में डेल्टा एक्स वन, इसमें एक्स टू प्लस में डेल्टा एक्स टू, एक्स टू प्लस में डेल्टा एक्स टू, इसमें एक्स वन प्लस में डेल्टा एक्स वन, थर्ड में कितनी होगी एक्स थ्री प्लस में डेल्टा एक्स थ्री। तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी इसका फार्मूला लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, स्ट्रेन एनर्जी U प्लस में डेल U, क्योंकि U क्या थी आपकी लोड P1 P2 P3 के कारण, और डेल्टा U किसके कारण थी, इस एक्स्ट्रा लोड के कारण, एक मिनट, ये एक्स्ट्रा लोड के कारण थी। तो दोनों कंबाइन लगा रहे हैं तो टोटल एनर्जी क्या होगी, U प्लस में डेल U इक्वल टू, अब देखिए वही फार्मूला साइमल्टेनियस हाफ, लोड कितना अप्लाई हो रहा है इसमें, पी वन प्लस में डेल्टा पी वन, डिफ्लेक्शन कितनी हुई एक्स वन प्लस में डेल्टा एक्स वन, सेकेंड पे कितना हो रहा है सेकेंड लोड के कारण, हाफ पी टू, डिफ्लेक्शन कितनी है एक्स टू प्लस में डेल्टा एक्स टू, थर्ड पॉइंट पे कितना है लोड हाफ, लोड कितना अप्लाई कर रहा है पी थ्री एक्स थ्री प्लस में डेल्टा एक्स थ्री। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो U प्लस में डेल U, देखिए P1 X1 मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं मैं यहाँ पे हाफ, देखिए इसको इसमें आपस में प्रोडक्ट करूंगा तो चार टर्म आएगी, एक टर्म इसके साथ, एक टर्म इसके साथ, एक और एक, चार टर्म बनेगी। तो पहले ही टर्म मैं लिख रहा हूँ पी वन एक्स वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हाफ पी टू एक्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा हाफ पी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। अगर आगे भी लोडिंग होती है तो पी फोर हाफ पी फोर एक्स फोर, क्लियर। इसके बाद देखिए अब मैं इसकी सेकेंड टर्म लिख रहा हूं, अब मैं इसकी सेकेंड टर्म लिख रहा हूं, पी वन को डेल एक्स वन से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आएगी सेकेंड टर्म, हाफ पी वन डेल एक्स वन, इसको करूंगा तो हाफ पी टू डेल एक्स टू, हाफ पी टू डेल एक्स टू प्लस में हाफ पी थ्री डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन। अगर आगे भी लोड होते तो ऐसे कंटिन्यू हो जाती। इसकी दो टर्म आ गई, पी वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पी वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, अब डेल्टा पी वन को मल्टीप्लाई करना बचा हुआ है। अब मैं कर रहा हूँ हाफ डेल्टा पी वन इंटू में एक्स वन प्लस में हाफ डेल्टा पी वन इंटू में डेल्टा एक्स वन। अब देखिए इसकी चार मल्टीप्लीकेशन करेंगे जब इस टर्म को तो चार टर्म बनेगी। पहली टर्म ये लिख दी पी वन हाफ पी वन इंटू में एक्स वन, हाफ पी वन इंटू में एक्स वन, सेकेंड टर्म क्या बनेगी हाफ पी टू इंटू में डेल एक्स टू, ये रही ठीक है। थर्ड टर्म बनेगी हाफ डेल्टा पी वन इंटू में एक्स वन, ये रही, और फोर्थ टर्म बनेगी हाफ डेल्टा पी वन इंटू में डेल एक्स वन, ये रही चार टर्म। अब देखिए बाकी की दो टर्म बनेगी, एक बनेगी हाफ पी टू एक्स टू वो यहाँ पे लिख दी, और एक बनेगी हाफ पी टू डेल एक्स टू वो यहाँ लिख दी, तो सारी टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है। देखिए ये स्मॉल चीज़ है, ये स्मॉल चीज, स्मॉल चीज का प्रोडक्ट स्मॉल, और इसको हम कर देंगे नेगलेक्ट। अब देखिए यू प्लस में डेल यू, आपने स्टार्टिंग में देखा था, हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन निकाली थी उसमें क्या था, यू प्लस में हाफ पी वन एक्स वन प्लस में हाफ पी टू एक्स टू प्लस में हाफ पी थ्री एक्स थ्री इक्वल टू यू, और इसमें भी हमारे पास इक्वेशन आ रही है हाफ पी वन एक्स वन प्लस में हाफ पी टू एक्स टू प्लस में हाफ पी थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन। तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, यू प्लस में यू लिख सकते हैं, ठीक है। एक टर्म और,
इस इक्वेशन में, इस पूरी इक्वेशन में अगर हाफ को मैं निकालता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, हाफ पी वन डेल एक्स वन प्लस में पी टू डेल एक्स टू प्लस में पी थ्री डेल एक्स थ्री प्लस में हाफ डेल पी वन एक्स वन। देखिए इस पूरी इक्वेशन में ने हाफ कॉमन निकाल लिया, पी वन डेल एक्स वन पी टू डेल एक्स टू पी थ्री डेल एक्स थ्री ये लिख दिया और हाफ यहाँ पे कॉमन है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यू से यू कैंसिल, ठीक है, और ये हाफ और ये हाफ इधर आके टू हो जाएगा, टू डेल यू इक्वल टू, ठीक है, हाफ हाफ कॉमन निकाल के पूरी इक्वेशन से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास क्या बच गया, पी वन डेल एक्स वन प्लस में पी टू डेल एक्स टू प्लस में पी थ्री डेल एक्स थ्री एंड सो ऑन प्लस में लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, हाफ सॉरी हाफ तो कॉमन आ गया था, डेल पी वन एक्स वन, और ये टर्म क्या है हमारे पास, हमारे सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखें ये टर्म क्या है, डेल यू इक्वल टू पी वन डेल एक्स वन पी टू डेल एक्स टू, ये टर्म है हमारे पास यू डेल यू सॉरी डेल यू डेल यू इधर आके माइनस हो जाएगी तो हमारे पास क्या रह जाएगा, डेल यू देखिए यहाँ टू डेल यू है और ये पूरी टर्म डेल यू है, इधर आके माइनस तो टू डेल यू में से डेल यू गया तो डेल यू इक्वल टू डेल पी वन इंटू में एक्स वन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके क्या ले सकते हैं, डेल यू अपॉन में डेल पी वन इक्वल टू एक्स वन। यही हमारा हमें प्रूफ करना था कैस्टिगलियन थ्योरम में कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिकली इंडिपेंडेंट फोर्स इक्वल टू गिव्स द डिफ्लेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखिए अगर ये लोड मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लगाया था तो वन आया, अगर मैं टू पॉइंट पे लगाता तो पी टू डेल एक्स टू, तो इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, डेल यू इक्वल टू डेल पी आई इक्वल टू एक्स आई, ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है कैस्टिगलियन थ्योरम का, रिजल्ट है कैस्टिगलियन थ्योरम का, ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं एक्सप्लेन करूँगा, और आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।